जिस प्रकार से आकर के उसको बना दिया, उसको गुंबद बना दिया, तो जिसके वजह से विवाद बना हुआ है, इसको तुरंत निपटारा कर देना चाहिए। अब तो वहाँ जो वजू खाना था वहाँ पे शिवलिंग मिल भी गया, जो यहाँ पे ज्ञानवापी ढांचा है उसको खत्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए। मस्जिद है उसको हटा के ज्ञानवापी मंदिर करें। मेरे तो पूरी आस्था और विश्वास है, निश्चित रूप से जो आज ज्ञानवापी है भगवान विश्वेश्वर महादेव का स्थान था, और वो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जिसको टोडर मल से लेके और अनेक परंपराओं ने उसका पुनर्निर्माण कराया है, तो इसलिए ये तो होना ही चाहिए। लेकिन मुगलों ने जिस प्रकार से आकर के उसको बना दिया, उसको गुंबद बना दिया, तो जिसके वजह से विवाद बना हुआ है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत की वो है, हमें लगता है उनको अध्यादेश ला करके इसको तुरंत निपटारा कर देना चाहिए। और इसको राम मंदिर तो हम लोगों ने केस से लड़ाई लड़के जीता, तो भगवान का शिव का काशी विश्वनाथ, अब तो वहाँ जो वजू खाना था वहाँ पे शिवलिंग मिल भी गया, तो इसलिए हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को अध्यादेश ला करके उसके बाबरी ढांचे जो यहाँ पे ज्ञानवापी ढांचा है उसको खत्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए, तो कानून लाना चाहिए इसके लिए। अब सरकार में रहने के बाद बयानबाजी नहीं चलती, वहाँ पे तो कार्रवाई की जाती है ना, तो हमें मेरे ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके और ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको हटा के ज्ञानवापी मंदिर करें, उसको भगवान विश्वेश्वर महादेव का वो कर दे, बस कोर्ट केस खत्म हो जाएगा मामला। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।